ये सिंपल लेस को मैं सिल्क क्रोशे थ्रेड से बना रही हूँ। ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसे कमल कढ़ाई का थ्रेड भी बोलते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हुए थ्रेड को अटैच करेंगे फैब्रिक में। अटैच करने के बाद टू चेन्स बनाएंगे और डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशे बनाने के बाद टू चेन्स बनाएंगे और ये जो गैप बना है इसमें थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। इसे हार्ट का शेप देने के लिए अब थ्री चेन का पिकॉर्ड बनाएंगे। तो थ्री चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। थ्री चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और थ्रेड को निकालेंगे रैप करके और इसमें से स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये ब्यूटीफुल पिकॉर्ड बन गया है। फिर से सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे बनाकर ये हार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब ये हार्ट शेप कंप्लीट हो गया है। अब इसे इस तरह से तिरछा रखते हुए फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच करेंगे। इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर दिया मैंने। अब चेन थ्री पिकॉर्ड बनाएंगे, 1 2 3। ये पिकॉर्ड बनाने के लिए हमें ये सिंगल क्रोशे में हुक को इंसर्ट करना है। इसके टू लूप से मैंने हुक को इंसर्ट किया, थ्रेड को इस तरह से इसमें से निकाले के और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए पिकॉर्ड कंप्लीट किया है। अब चेन वन बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। अब मैं थ्री टाइम सेम रिपीट करूँगी। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन सेम रिपीट होना स्टार्ट होगी। चेन टू बनाते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम इसी तरह हार्ट शेप बनाते जाएंगे। तो अब सेम रिपीट करें और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करें।